सरकार की नीतियों के खिलाफ आजकल हर वर्ग प्रदर्शन कर रहा है। इसी के चलते आज पूरे प्रदेश भर से आए HSEB वर्कर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर अंबाला सर्कल बिजली दफ्तर में प्रदर्शन किया गया और सरकार पर मांगे न मानने के आरोप भी लगाए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुधीर राणा ने बताया कि पिछले काफी समय से उनकी कुछ मांगे लंबित हैं, जिनको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनमें कौशल रोजगार को बंद करना और कर्मचारियों को उनका वेतन देना आदि मांगे शामिल हैं। और आज अंबाला में अपनी मांगों को लेकर वे लोग मिलेंगे और मांग करेंगे कि कर्मचारियों को उनका हक जल्द से जल्द दिलवाया जाए। आज इसी विषय को लेकर SC को मिलने की कर्मचारियों की योजना है ताकि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। आज प्रदेश की कार्यकारिणी अंबाला सर्कल में आई है कर्मचारियों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए। मेरी तमाम कार्यकारिणी के सदस्य यहां पर मौजूद हैं। आज कर्मचारियों से बातचीत हुई और ज्वलंत मुद्दों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें बात पुरानी पेंशन बहाली की हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की बात हो, जोखिम भत्ता देने की बात हो, फ्री यूनिट्स की बात हो, चेक्स ग्रेस या पॉलिसी की बात हो, इन सभी डिमांडों को लेकर आगामी समय में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन की केंद्रीय कमेटी निगम मैनेजमेंट और हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी डिमांडों का एक मजबूत चार्टर लेकर प्रदेश सरकार को उनका किया हुआ वादा, जो लोगों को भ्रमित कर सरकार और सत्ता में आज आसीन है, उनको हम वादा याद दिलाना चाहते हैं कि आज पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और हरियाणा कर्मचारी महासंघ और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन इसको अपने बैनर के तले उठाना चाह रही है। आने वाले समय में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायकों को, पूरे प्रदेश के सभी मंत्रियों को, पूरे प्रदेश के 10 के 10 सांसदों को, साथ ही साथ डिप्टी CM और CM को हम अपना ज्ञापन देंगे और गुहार लगाएंगे कि जो प्रदेश के कर्मचारियों की काफी लंबे समय से लंबी समस्याएं हैं, उनका तुरंत प्रभाव से आप निराकरण करें, अन्यथा।